इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान आज वो मुंबई पहुंचे, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ललन सिंह भी साथ में मौजूद हैं और तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। उनका उद्धव ठाकरे स्वागत कर रहे हैं, शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार विपक्षी एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि देश में आज कुछ भी नहीं हो रहा है और बाकी तमाम पार्टियां जो भी देश हित में काम कर रही हैं उनको दिखाया भी नहीं जा रहा है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सुनिए आप एक बार। तो आपने तो बात बता ही दिया है, हम सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए, बातचीत तो बहुत होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था, जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है और किसी भी प्रकार से, एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियाँ एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ़ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए करेंगे। ये लोग तो अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आज़ादी की लड़ाई से क्या मतलब था, जिनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है अपने अपने ढंग से, नई नई चीज़ों का नामकरण कुछ भी होते रहता, तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सर सवाल दे, उसके दो पक्ष है। पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से, इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती। पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने
सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूँ? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का, जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूँ, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडी मध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ। तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही, असेल तो सबको एकजुट करना चाहता है, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते है, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाए। वो नहीं बनना है, और जो भी बनेंगे वो सब मिलके सबको आगे बढ़ाएंगे। बिहार में